गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड स्थित ख्वाजेपुर पंचायत के विक्रमपुर गांव, जहां मक्खियों के भरमार से लोग काफ़ी परेशान हैं। ये मक्खियां लोगों के जीना मुहाल कर दी है। स्थानीय लोगों के माने तो आसपास पोल्ट्री फार्म खुल जाने के कारण यहां मक्खियों का बसेरा है। ये मक्खियां दो चार माह से नहीं बल्कि 4 से 5 वर्षों से ये अपना इस गाँव में पूरी तरह से फैल चुकी है और आए दिन लोगों की समस्याएं बढ़ा रही है। मक्खियों के कारण यहाँ के युवा युवतियों के शादी विवाह में भी काफ़ी परेशानी होती है। लोग इस गांव के युवा युवतियों से शादी करना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में 3 लोगों की शादियां भी इस मक्खी के कारण कट गई। साथ ही 10 से 15 लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही है, बावजूद ना ही जिला प्रशासन की इस पर नज़र है और ना ही जनप्रतिनिधियों की। चावल में मक्खी गिर गई, सब्जी में मक्खी गिर गई। आप किचन में जाइएगा, किचन में इतनी मक्खियां रहती हैं, इतना मक्खी रहती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब तक शादियां कितनी कटी है? 3-4 कट गई है यहाँ पे शादियां। अच्छा, और कितने लोग प्लान कर रहे हैं? 10 लोग यहाँ से प्लान करके चले गए हैं, जबकि यहाँ पे घर में ताला मारा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है सरकार की, कोई किसी की नजर नहीं है इस गांव पे, जो हाँ इस गांव में क्या है क्या नहीं है। जबकि यहाँ पे माननीय हमारे मंत्री जी का घर भी है। तो शादियाँ कटने का कारण क्या बताता है लोग? यहाँ पे लोग बोलते हैं जे मक्खी की वजह से कौन यहाँ पे शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। इतनी मक्खियाँ, नाश्ता ले जाओ तो नाश्ते में इतनी मक्खियाँ आती है, लगता है जी हाँ नाश्ते ले जाता तो मक्खियाँ आ जाती है उस पे, तो लोग नाश्ता नहीं कर पाते हैं। सुबह लोग चाय पीते हैं, मक्खियां निकाल के फेंक के तब चाय पीते हैं यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिकेत यादव है। जताली की उसका भी कोई हल नहीं हुआ है। हम दरखास्त भी कितना दिए हैं लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। ये कब से परेशानी है? अरे लगभग 4-5 साल हो गया। और क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है, ब्याह शादी भी नहीं होता है, न लड़का को न लड़की को भी शादी होता है। माल भी नहीं खाता है, माल भी कितना तबीयत खराब हो जाता है माल लोग का। जो दाना छीटते हैं वो नाधा में वो पूरा मक्खी छाप लेती है उसमें। मक्खी जो है कभी भी अगर आसपास हमारे गंदगी रहेगी, जूठा खाना ये सब अगर हम फेंकते हैं तो उसके चलते मक्खियां का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए पानी जो जनित रोग होते हैं, डायरिया डिसेंट्री ये सब, उसको पनपने का खतरा रहता है। मक्खियों के लिए छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है, छिड़काव का कोई प्रावधान नहीं है, केवल सर सफाई से वो दूर रहती है। वही ना, वाटर जनित रोग जो भी है, डायरिया डिसेंट्री ये सब होता है, इन्फेक्शन भी होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी होती है। अटल बिहारी पांडे, ईटीवी भारत, गोपालगंज।